कितनी मीठी सुगंध है इस मिट्टी की। सुगंध ही क्यों, मिट्टी ही मीठी हो जाएगी अगर गुड़ का भाव इस तरह बढ़ता रहा तो। अभी से चलने भी दिया करो सीता, 24 घंटे गोद में टांग कर आदत बिगाड़ दी है इसकी। अब रोज रोज माथा पच्ची कौन करे, गोद में नहीं उठाओ तो रोने ही लगता है। बड़ा होकर क्या करेगा ये, हर वक्त चलेगा गोद क्या में, गोद में। नहीं अरे वेलू, और क्या हाल है? ठीक है। और कैसा चल रहा है आजकल? चल रहा है। चल रहे हो? हम भी घर ही चल रहे हैं। चलो, और कैसा है काम धंधा, ठीक ठाक चल रहा है ना? आजा 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 बेटे, आजा 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 आजा। भाभी को परेशानी हो रही, आजा। क्या बात है मुरली, बड़ा ख्याल आ रहा है भाभी का है। तो क्या तुम्हारा ख्याल करूं, इतने हट्ठे कट्ठे हो और बबलू को छोड़ दिया है भाभी के लिए। आजा बोल बेटे, आजा आजा। नहीं ये नहीं आएगा। अरे बोझ उठाने का इतना ही शौक है तो ले पकड़ टोकरी, मैं तम्बाकू रगड़ता हूँ। मुझे नहीं खानी तेरी तम्बाकू। देखा, इसे तेरे हाथों की बनी मिठाई की गंध लग गई है, ये क्यों खाएगा तम्बाकू। पर बच्चे, घर में मिठाई का मौसम खत्म हो गया है, सूंघने तक को नहीं मिलेगी, समझे? ओहो, अरे दोस्तों के साथ भी कोई इस तरह बात करता है। अभी कल ही तो इसकी माँ जी तुम्हारे लिए इतने सारे पकवान लेकर आई थी। लो, और आज कुछ भी बोल दिया। हो गया रेडियो शुरू। अच्छा भैया मुरली, मुझे माफ कर दे भैया। अच्छा ये बता, बीड़ी फैक्ट्री में तेरा काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक ही है यार, बस वही सुबह से शाम तक की खचखच। बस एक तंबाकू की सुगंध है जो बीड़ी फैक्ट्री में रुका हुआ। और ये बता, बीड़ी फैक्ट्री में बीड़ी वीड़ी तो मिलती है ना? बीड़ी? छी, नहीं पीता बीड़ी वीड़ी। क्या? मैं बीड़ी फैक्ट्री में सिर्फ काम करता हूँ प्यारे, बीड़ी नहीं पीता। अरे मैं तो सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट। फिर तुमने सामान उलटना पलटना शुरू कर दिया। वो गुड़ के पास क्या करो, उसे गिरा मत देना, उसे धनपाल की माँ को देना है। और तुम ये ढूंढ क्या रहे हो? कुछ नहीं, हा? वो पोस्ट कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे ओहो, गिरा ही दिया ना, जब भी उलट पलट करोगे कुछ ना कुछ तोड़ोगे ही। क्या कागज है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं तो चेहरे पर चिंता क्यों है? नहीं वो नहीं वो, क्या लिखा है उसमें? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना क्या लिखा। कुछ नहीं, छपा है देखो। छपा नहीं, उसमें कुछ लिखा भी है। अरे क्या ठीक है तो तुझे इससे क्या मतलब? देखो देखो, देखो बबलू जाग जाएगा। उसमें लिखा क्या है बोलो ना। बबलू जाग जाएगा। ओहो तुम बताते हो या फिर मैं फाड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, क्या है फिर बोलो। वो कुछ नहीं दरअसल। क्या वो? अरे वो बिजली का बिल भरना बाकी। हाय राम, बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा? अरे वो लोग तो करंट काट देंगे, फिर फसल का क्या होगा? एक दिन पानी न मिला तो फसल तो बर्बाद ही हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, अभी काफी दिन बाकी हैं। जुर्माने के साथ बिल भरने की अंतिम तारीख 10-12 दिन बाद आएगी, और बिल मैं कल ही भर दूंगा। हाँ कल ही भर दूंगा। और नहीं तो क्या, बस 10 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, बस इतना है। और ये 10 रुपए कहाँ से आएंगे? अगर बिल टाइम पर भर देते तो ये 10 रुपए बचाते कि नहीं? ओहो तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। कह तो रहा हूँ कि मैं भूल गया, इन दिनों खेत पर काम भी इतना रहा कि याद नहीं रहा। याद नहीं रहा, 50 पर याद दिलाने पर तो कल तुम बैल की खली लेकर आए, और बबलू की दवा तो अभी तक लाए ही नहीं। कम से कम इतना कर देते कि ये बिजली का बिल टाइम पर भर देते। कह तो रहा हूँ कि बिल कल जाकर शहर भर दूंगा, लेकिन वो 10 रुपए कहाँ से भरेंगे? तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती हो। जरा तम्बाकू देना। तम्बाकू लेकर आओ, इतनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ते और तुम 10 रुपए जुर्माना भरने चल पड़े।
अरे क्या करूं, मेरी तो आदत ही है जुर्माना भरने की। लाओ तुम्हें भी जुर्माना भर देते हैं। आ गए ना अपनी औकात पे। तुम्हें पास देखकर रहा भी तो नहीं जाता ना। धत, तुम्हें याद नहीं आज एकादशी है? चलो उठो अपने बिस्तर पे जाके सो। एकादशी किसने सिखाया? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे मुरली इधर। हाँ बड़े बने ठने हो, शहर जा रहे हो क्या? हाँ बिजली का बिल भरने जा रहा हूँ। तो जाओ मैं भी चलता हूँ। चढ़ कहीं का बीड़ी वाली को देखते ही आंख पलट कर निकल लिया। जाओ जाओ। अरे रे तू गुस्सा हो रहा है भाई, मुझे बीड़ी फैक्ट्री जाने की देर हो रही है, सो मैं जा रहा हूँ तो इसमें आंख उलटने सीधा करने क्या बात है। अरे राधा तू देख मुरली, मैं कई बार कह चुका हूँ तुम्हें, दूर रहा कर इससे। बस बस मुझे मालूम है तुम क्या कहने वाले हो, यही ना कि बीड़ी फैक्ट्री के मालिक और राधा के बीच में लटपट है, तो रहने दो, मेरा क्या बिगड़ता है भाई। गरम तवे पे दो रोटी मैं भी सेक लूंगा। बेशर्मी की बात मत किया कर, पागल हो गया है क्या? हाँ मैं पागल ही हूँ। चल तू असल बात बोल जिसके लिए मुझे रोक रखा है। देख मैं बिजली का बिल भरने शहर जा रहा हूँ। ये दूसरी बार कहा तुमने। यार मुरली एक काम है मुझे तुमसे, परसों मैं जवाहर के यहाँ गया था, खाद लेने के सिलसिले में बात की थी, तुम्हारा क्या ख्याल है जवाहर के यहाँ से खाद लेना ठीक रहेगा? मेरा ख्याल हाँ अच्छा है, अच्छा है, सब जवाहर के यहाँ से खाद ले रहे हैं। बेचारा धनपत तो बर्बाद हो गया इस साल, कोई उसके यहाँ खाद लेने के नाम से जाता ही नहीं। वैसे क्या तुम्हें खाद लेने की बड़ी जल्दी है? हाँ यार सोचता हूँ कि भाव बढ़ने के पहले मंगा लूँ। हाँ तो ठीक है मंगा लो, मैं खुद जाकर ले आता लेकिन मेरा शहर जाना जरूरी है, तुम ये काम कर दोगे मेरा? यानी मुझे जवाहर के यहाँ से बीज ढोकर लानी है, अब समझा, इसलिए तुम सुबह सुबह चोंच में चोंच भिड़ाए खड़े हो। अब जाओगे भी कि यहाँ बातचीत करते रहोगे? अरे भाभी जी नमस्ते। अरे बाप रे बाप, भाभी तो बिल्कुल गर्म है, तुम निश्चिंत रहो मैं जवाहर के यहाँ से खाद लेते आऊंगा। मुरली अब क्या है वो, नहीं मुझे भी शहर जाने की जल्दी, तुम जाओ। बहुत अच्छे। पांच हजार से अधिक उम्मीदवारों ने लोकसभा के लिए अपने नामांकन पत्र भरे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बासु, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजेश पायलट और श्री सुखराम तथा अन्य कुछ लोग। साहब साहब आप शहर जा रहे हैं क्या पेंशन लेने? आपको पता है मुझे भी मंत्री जी ने पेंशन दिलवाने को कहा था, देखिए मेरे को भी पेंशन मिलने वाली है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। साहब मेरे को पेंशन दिलवाने को कहिएगा ना साहब, मैंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी साहब, मैंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मेरे को भी पेंशन मिलेगा साहब, पेंशन मिलेगा। चलिए साहब चलिए, हाँ साहब अभी जा रही है। मैंने भी आजादी की लड़ाई, साला नया पागल हुआ है क्या? हिलेगा। अरे सब मंत्री जी ने बोला था। सोमदार 50 रुपया 20 पैसा। बेलिया कलवार सोनपुर गांव के हैं आप जी? देखिए आपके इलाके के सभी गांवों का बिल सिर्फ सोमवार को ले जाता है। क्या? जी हाँ, इसलिए कृपया सोमवार को आइए। अरे झटके यार, चाय का क्या हुआ? यहाँ बोलते बोलते गला सूखा जा रहा है। चाय? आज ऑफिस के कैंटीन में हड़ताल है। क्या कहा? हड़ताल? और क्या, यानी आज चाय मिलनी इम्पॉसिबल है? साहब क्या है यार, मैं सोमवार को नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से मैं मुरली को सारे काम समझा कर आया हूँ। अच्छा आज आप ले लीजिए, अगली बार मैं सोमवार को ही दे दूंगा। अरे अरे हटो यहाँ से यार, चाय मंगाओ नहीं तो यार बंद करके मैं चाय पीने चला जाऊंगा। आप मेरी बात समझिए, मैं सोमवार को नहीं आ सकता, आप मेरा बिल आज ही ले लीजिए, बड़ी कृपा होगी आप। भाई बोल दिया ना आज नहीं हो सकता,
अरे हटो यार, क्यों हम लोगों को परेशान कर रखा है? भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं सोमवार को आऊंगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। चले आते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नुकसान नहीं हो रहा है, हम लोग खुद ही तो नियम नहीं बनाते ना, हम तो सिर्फ बने हुए नियमों का पालन करते हैं। पर सिर्फ सोमवार को बिल भरने का नियम तो अचानक बदल रहा है, तो मैं क्या करूं भाई? ये हमारे इंजीनियर साहब अभी नए नए आए हैं और आते ही उन्होंने ये नियम बना दिया। पर इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हुजूर, आपकी जानकारी के लिए पिछले 5 दिनों से नोटिस लगा रखी है हमने, देखिए आपके बगल में ही है। देखो भाई, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब क्या है कि एक बार फिर से मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आपके इलाके का बिल सिर्फ सोमवार को ही लिया जाता है, इसलिए आप सोमवार को ही आइए। अब तो समझे आप हैं? पर आप देखिए मेरे घर 1 घंटे से पर लगा रखिए, जैसे दूसरे को काम नहीं। चले आते जाने कहां कहां से। चलो ना भाई यार, हमको भी बिल भरने का है, जाओ ना तुम। अरे जा यार। साहब साहब, 2 पैसे का सवाल, इस दुखिया को कुछ दे दे बाबा। टिकट टिकट।
करें, चला वापस। तुम समझती क्यों नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम क्यों करने लगे गलती, सब मेरी गलती है, मेरे कर्म की गलती है जो तुम जैसे आदमी के साथ पाला पड़ा है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? अब मैं गया तो था बिल भरने, उन्होंने नहीं लिया, कहा सोमवार को आओ, अब मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर सोमवार को भी उन्होंने बिल नहीं लिया तो क्या कर लोगे तुम? करंट काट दिया तो फसल का क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, किश्तों पर लिए गए पंप का कर्ज कैसे चुकेगा? कुछ सोचा है इस बारे में? राहत भी नहीं अपने पास कि उसी से पानी पटाते। ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। हाँ बहुत जिम्मेदार हूँ मैं, जानती हूँ, इसीलिए पिछली बार पैसे मांगने मुझे माँ के पास भेज दिया था। सीता चिल्लाओ मत, और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर फसल को कुछ हो गया और तुमने दोबारा मुझे माँ के पास पैसे लेने भेजना चाहा तो मैं नहीं जाने वाली। और कभी अपने वो बम्बैया भाइयों से क्यों नहीं मांगते हो? मांगोगे तब भी नहीं देंगे। देखो जबान बंद करो अपनी, घर में बैठी बैठी बकतूत करती रहती हो, बाहरी दुनिया की समस्याओं का कुछ पता है तुम्हें? एक दिन बाहरी समस्याओं से उलझना पड़ेगा तो बोलती बंद हो जाएगी। सारा दिन बिजली ऑफिस में मरकर आ रहा हूँ और अब फिर मकई खाद छप्पर हजार समस्याओं का बोझ लिए बाहर चला। मैं आ गया हूँ। ये बीड़ी वाली का मरद फिर आ गया। अरे ओ राधा, अरे कहाँ चली गई रे मेरी तिजोरी, जरा खोल दरवाजा, मैं आ गया। कहाँ गए रे ए बबलिया? ए ए बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल इधर। अरे मेरी बीवी का पता बता रहा है भाई। ए बबलिया, तूने तो नहीं जुबाया ना, चिबाना भी नहीं। वैसे मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मुरली को कहीं देखा है? मुरली को नहीं देखा, हाँ वो भीड़ी वाली को देखा हूं, वो रही। मुरली भी कहीं आसपास ही होगा।
अरे राधा। ए मुरली, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों बहुत जल्दी में हो? अरे हाँ यार, मैं चलता। अरे सुनो मुरली, इतनी जल्दी में ना दिखाओ, मुझे काम है तुमसे। यार इस तुम्हें काम मत बोल यार, मैं शाम को तेरे घर आ जाऊंगा, जितना काम चाहे करवा लेना, पर अभी कहाँ जा रहा है तू? फिर उसी के पीछे? छी बेवकूफ हो क्या, मुझे किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, लोग मेरे आगे चला करते हैं। अच्छा अच्छा, चल वो तो गई, अब इधर देख। बोलो क्या बात है? मुरली मुझे इलेक्ट्रिक बिल भरने शहर जाना है। फिर से? हाँ यार, कायदे कानून की भी कोई सीमा होती है। आप कहते हैं कि हमारे ब्लॉक का बिल सिर्फ सोमवार को ही दिया जाएगा। फिर नियम बदल गया? जो भी हो हमें तो मानना ही पड़ेगा। आज सोमवार के दिन जब मुझे इतना सारा काम पड़ा है, मुझे शहर जाना है। ये लो, तेरी भाभी ने ये कुछ चीजें मंगवाई हैं। भाभी ने? लाओ पर्ची, इधर लाओ। हल्दी, नमक, मसाला, मिर्च, इतना सारा? अच्छा किया जो अपना नाम नहीं लिया, वरना वरना क्या क्या कर लेता तू है? मुझसे अकड़ता है। भाई सब शहर जाने वाली बस चली गई? वो तो कब की चली गई? गई भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? 11 बजे ना।
ये शहर जाने वाली बस कितने में जाएगी? 11:15। अरे 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 अरे, ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ, फिर गलती कर दिया। तुम्हें समझाया था ना कि हमारे लाल कलर में प्रिंट करो और प्यारे नेता हरे कलर में, और प्यारे नेता एक साथ आना चाहिए, हमारे प्यारे नेता। अरे बुद्धू, ना कि हमारे प्यारे नेता, समझे? हमारे प्यारे नेता। तुम जानते हो इस बार के चुनाव घोषणा पत्र में मंत्री जी ने क्या कहा है? जनता में प्यार लाया जाएगा, सद्भावना और भाई साहब अभी कितना बजे? ये बताइए, कड़ी मैंने अपने लिए बांध रखी है आपके लिए। औरतों के बारे में तो अभी आपने 11 बजे टाइम पूछा था, अब आप फिर 11:15 बजे टाइम पूछ रहे हैं। बड़ी कुर्सियाँ पूरी जानता है, सोचने से पहले वहाँ की औरतों के बारे में सोचना चाहिए। 11:15 बज रहे हैं तो बात सभी तक क्यों नहीं आई? मैं आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर लगता हूँ। अगर किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो मजबूरन पूरा का परिवार उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। अरे ना मारो, वो आराम से चढ़ो भाई। टूट जा रही है। अरे भाई धक्के मत मारो यार। अरे आगे क्यों जा रहे हो भाई? राम लाल कसे मारो। चलो भाई, हाँ। अगले सोमवार। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अब नहीं खुलेगी भैया, चलो। अरे भाई साहब, चक्कर लगाते लगाते बुढ़ापा आ गया भाई, बाढ़ से फेर होगी। अरे दादा, मैं कब से चक्कर लगा रहा हूं, हमेशा बंद हो जाती है। भाई साहब, भीड़ रहती है। भाई साहब, ये अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? उधर पीछे से। अच्छा भाई, चलिए। अरे कुछ खाना खा लेते हैं। सब लंच के लिए 15 मिनट पहले जाते हैं तो भी एक बात है, लेकिन तुम तो ऑफिस ही छोड़कर जा रही हो। ये रही अकाउंट्स की फाइल, और पकड़ो ये लेजर। तो अपन का धंधा मंदा मत कर, हां? मेरे को तेरी सहायता से सारे अकाउंट सेटल करने हैं, और फिर ये तो अपन दोनों का काम है, इसलिए कहता हूँ रुक जा तू। मैं पहले ही कह चुकी, 3:00 से ग्रहण लग रहा है, मैं नहीं रुक सकती। अरे ग्रहण और ऑफिस के काम का क्या संबंध है? संबंध क्यों नहीं, मेरे बच्चे का सवाल है। अगर मैं अभी नहीं गई तो ग्रहण के कारण 7:30 तक बाहर नहीं जा सकती, और इतनी देर ऑफिस में नहीं रुक सकती, समझे? हाँ ठीक है साहब, 1 मिनट। तो मत रुको ना, लेकिन ऑफिस के काम का क्या होगा है? देख, अपन तेरे कारण आज का काम आगे नहीं ढकेल सकता। अच्छी बात है, तो बैठो काम करो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रुक सकती। देख मंदाकिनी, तेरी इस मनमानी के लिए तुम्हें मेमो जरूर मिलेगा। बाहर में गई परमिशन, तुम्हारा मेमो। अरे मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। अब चली रास्ता। अरे देखा देखा ना यार झटके, ये फिर मुझे झटका देके चली गई। अरे मैं पूछता हूँ, इतना सारा काम इसके बदले में कौन करेगा, इसका बाप? भाई साहब, ये देखो भैया, इससे मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुमको जो भी बात करनी है ना, जाके उनसे, वो बाबूराव साहब है, उनसे बात करो, जाओ। अरे बैठ जाना यार, मैं हूं ना। हाँ बोलिए बोलिए। क्या बात है साहब? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। परेशान ना हो, मैं करूंगा तेरी मदद। एक दो फाइल यहाँ भेज दे। क्या बात है साहब? मैं बिल भरने आया था लेकिन खिड़की बंद हो गई। मगर आप परेशान क्यों हैं? अगली बार आकर दे दीजिएगा। नहीं नहीं साहब, आप किसी तरह आज मेरा बिल ले लीजिए। चाय नाश्ता कराओ, मिलजुल के आज ही सारा काम निपटा देंगे। ऐसा तो नियम ही नहीं है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? आप कुछ भी कीजिए, मेरा बिल आज ले लीजिए। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। मगर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब, अगर आज मैंने बिल नहीं भरा तो वो मेरा करंट काट देंगे, और अगर मेरे खेत में 1 दिन पानी नहीं गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बात है तो एक काम कीजिए, बिजली विभाग के इंजीनियर को एक आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें उन्हें सारी समस्याएं बताइए और प्रार्थना कीजिए कि वे करंट ना काटें। इंजीनियर साहब मेरी बात सुनेंगे? अरे क्यों नहीं सुनेंगे साहब, उनका काम क्या है? मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, जब भी ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा हो तो छोड़िए छोड़िए।
क्या हुआ? क्या बताएं, ऐसा खराब जमाना आ गया है कि कहते भी शर्माती है। फिर भी बताइए, नहीं तो मेरा काम कैसे होगा? बस यार, चलो चलो शिंदे, चाय वाय पिलाओ जरा, चलो चलो। ओ बाबूराव साहब, हम जा रहे हैं चाय पकौड़ा करने के लिए, आप अपना काम जमाए रखना, निपट जाए तो वहीं पहुंच जाना। बड़ी मुश्किल से शिंदे फंसा है आज। जय हो मंदाकिनी माता की। साहब आपने बताया नहीं। अरे बताना क्या, अगर इंजीनियर साहब आपकी कोई बात ना सुने तो फल फूल पान मिठाई इत्यादि थमा दीजिएगा, बस काम खत्म। अरे भाई, आज की दुनिया में सभी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे ये शिंदे झटके हो चाहे इंजीनियर। जी जी। अरे भैया, अब तो ये रिवाज हो गया है, काम निकलवाना है तो मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ेगी। अब इसी ऑफिस में देखो, यहां पर एक मैं ही बेवकूफ हूं जो चुपचाप बैठा अपना काम करते रहता हूं। और जमाना ऐसा उल्टा है कि जो लोग घूस लेते हैं ना, उन्हें कुछ भी नहीं होता। जब सीबीआई इंक्वायरी होती है तो मुझ पर। कुछ समझे? सीबीआई? जी समझ गए। तो इंजीनियर साहब को आवेदन पत्र लिख लेंगे आप या मैं लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं लिख लूंगा। ये इंजीनियर साहब का दफ्तर कहाँ है? यही बगल वाली गली में, दाएं बाजू। लेकिन एप्लीकेशन लिख लेंगे ना आप? जी। कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है ना? जी। कैसे कैसे बेवकूफ चले आते हैं। साहब, साहब, ए, क्या है जी? इंजीनियर साहब को ये एप्लीकेशन देनी है। इंजीनियर साहब आज बहुत बिजी है, किसी से नहीं मिल सकते, एकदम टाइट है। टाइट? अरे हाँ, बताया ना, उनका प्रोग्राम एकदम टाइट है। लेकिन भाई साहब, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये लीजिए चाय पानी। ठीक है साहब, अंदर है, पीछे से जाइए। धन्यवाद। सुनो, पर देर मत करना। नहीं नहीं नहीं। क्या है? नमस्ते साहब। क्या है? एक आवेदन है साहब। ठीक है, टेबल पर रख देना, मैं पढ़ लूंगा। साहब मैं बहुत परेशान हूं साहब, पिछले 2 हफ्ते से मैं अपना बिल भरने आ रहा हूं लेकिन अभी तक बिल नहीं भर पाया। अगले सोमवार को मैं किसी भी तरह से अपना बिल भर दूंगा साहब। इस एप्लीकेशन पर बिल नंबर और पता लिखा है। आप ध्यान देंगे तो मेरा करंट नहीं कटेगा साहब। ठीक है ठीक है, हम देखेंगे। और कोई बात तो नहीं है ना साहब? नहीं नहीं, जाओ। अच्छा नमस्ते साहब। नमस्ते। जयराम जी की साहब, जयराम जी की। பெருசா கொண்டுதுட்டான் கேனப்பாய் தரித்திரம். धन्यवाद छोटे साहब। ठीक है, हमारे साहब बहुत भले आदमी है, तुम निश्चिंत रहो जी। जी अच्छा, कितनी जमीन है तुम्हारी? 3 एकड़। अच्छा, किस चीज की खेती करते हो? यही गन्ना, कभी कभार मकई। हाँ, गन्ने की कौन सी बीज उगाते हो? 419। 419? हैं? 83-18 क्यों नहीं उगाते? हैं? गुड़ भी ज्यादा और पैसा भी ज्यादा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई समस्या भी उतनी ही ज्यादा है। क्या मतलब? ये सब मिल मालिकों के हाथ में है भैया। किसानों को 83-18 देने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें लगा रखी हैं मिल मालिकों ने कि किसान किसान न रहकर बंधुआ मजदूर हो जाता है। ओहो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, पर क्या करोगे,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, है ना? तो ठीक है, कोई पैसे लेकर काम कर दे तो चलता है, लेकिन बार बार दफ्तर के चक्कर लगाना अखर जाता है। जैसे आज आप सुबह से घर से निकले घूम रहे हैं, है ना जी? सुबह से कुछ खाया पिया है कि नहीं? नहीं ना, आओ फिर पकौड़े खाते हैं। नहीं नहीं मैं ठीक हूं। अरे आओ नहीं, बहाने क्यों कर रहे हो? देखो बस इधर ही है। नमस्ते सियाराम। नमस्ते भाई। कैसे हो? ठीक हूँ। दो प्लेट पकोड़े देना जरा और साहब को एक ग्लास पानी पिलाओ। साहब को? अरे गोबर जरा साहब को पानी दे, बर्फ मार के चल। पहली बार देख रहा हूँ इनको। इंजीनियर साहब से मिला दिया? आखिर मैं हूँ किस लिए? इसी बात की तो तनख्वाह लेता हूँ जी। साहब मैंने आप जैसे मरते नहीं देखा। अरे चल बकवास मत कर, ताजा ताजा पेड़े निकल जल्दी। चल चल बांध देता से। मैंने मैं पेड़े नहीं खाऊंगा, आप खाइए। अरे साहब आप खाइएगा नहीं तो फैमिली के लिए ले जाइएगा। मेरी तरफ से सियाराम 250 ग्राम पेड़े बांधो जरा साहब के लिए। सुनिए मेरी तरफ से बांध देना। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए मेरे खाते में। ये लो, कितना हुआ? 19 रुपए। ये लो, ये है 1 रुपया बाकी। अरे अरे बबलू बेटे, देखो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, पेड़े। हैं जाओ अम्मा को भी देना और तुम भी खाना। हैं जाओ। माँ देखो पेड़ा। अरे अरे बबलू के लिए पेड़ा आया है, अरे वाह, लगता है आज बिल भर के आए हो। मैं पानी लाती हूँ। खाना खाओगे? नहीं इच्छा नहीं है। क्यों, दिन भर के थके हारे आए हो? छाछ तो पी लो। खाना मन नहीं है मेरा। क्या हुआ मन को? बिल तो भर दिया ना? अब तो वो सब जेई के हाथ में है। क्या मतलब? अगर जेई ने चाहा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते बिल भरा या नहीं? कैसे भर पाता जब उन लोगों ने खिड़की बंद कर दी। अरे तुम सुबह सुबह घर से निकले थे, रास्ते में क्या करने लगे जो समय खत्म हो गया? तमाशा देख रहा था। दूसरे की परेशानी से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। यहां घर में बैठे बैठे अपना कानून बघारती रहती हो। अरे नहीं बिल भर पाया तो क्या हुआ? मैं इंजीनियर से बात करके आया हूं, वो चाहेगा तो बिना बिल दिए हमारी पंप चलती रहेगी। हाँ वो तुम्हारा नौकर जो है, तुम्हारे डर से वो बिजली काटने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, तो बिल भरने की जरूरत क्या है? घूमो शहर जाके, तुम्हें बिल की याद कहां रहती होगी? वहां तो तुम्हें वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देती होंगी बस। या फिर बैठती होगी अपने उस दोस्त शामू के पास जो कभी काम आने वाला नहीं है। अच्छा है घूमो शहर, अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। हर सोमवार को शहर चले जाओ और मौज मस्ती करके वापस आ जाओ। जानते हो सोमवार को बाजार भी होता है और घर में जरूरत का सामान भी नहीं है। आज बिल नहीं भरा है, फिर वो खिड़की बंद हो गई, या फिर चिल्लाओ मत, लोग क्या सोचेंगे? वो बीड़ी वाली भी देख रही है। हाँ आज तो सिर्फ बीड़ी वाली देख रही है, कल पानी न मिलने की वजह से खेत बर्बाद होंगे तो सारी दुनिया देखेगी। कर लेना फिर अपनी इज्जत बड़ी। तुमने तो घर में रहना मुश्किल कर दिया, चिल्लाओ दीवारों के साथ। ना मैं घर में रहूंगा और ना सुनूंगा। पढ़ 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 पढ़। हाँ जाओ घूमो, शहर घूम के आयो, अब गाँव घूमो जाके। घर का सामान कौन लाएगा? मैं। बस बस इतनी कृपा की जरूरत नहीं है, लाओ पैसे दो। अरे 25 रुपए जो सुबह दिए थे
बस के किराए के अलावा बाकी पैसों का क्या किया? वो पेड़े लाया ना। पेड़े? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलो, ये लो, 30 रुपए हैं, और ये घर के सामान के लिए। हाँ। ये ले अम्मा। और? अरे आओ बेलू, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ मैं। राशन दो, 1 किलो सोडा, और एक कपड़े धोने का साबुन, एक नहाने का साबुन, 1 रुपए का गरम मसाला। ये लियो अभी बांध देते। पहाड़ी बा बा। 50 पैसे का तमाकू भी दे। अच्छा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, तो मैं उपाय बताऊं? पहाड़ी बाबा से मिल लो, जानते हो ना, चमत्कार है उनके शब्दों में। वो देखो, मुझे कहा कि लड़के से दिन रात पहाड़ी बाबा लिखवाओ, और मैंने किया। पहाड़ी बाबा, पहाड़ी बाबा। अरे थोड़ी सी तो मेहनत है, और उसका फल ज्यादा से ज्यादा। सुना नहीं है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा। ये ले अपना सामान। रो तमाकू। पहाड़ी बाबा। दवाइयां तो मैं लिख देता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है संयम, खाने पर संयम। अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो दवाओं का कोई असर नहीं होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिठाई आपके लिए जहर है। पर डॉक्टर साहब, सिर्फ एकदम बिल्कुल नहीं, मिठाई बिल्कुल बंद। ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर साहब, एक दिन में सिर्फ एक पेड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रामदीन, देखना तहसीलदार साहब मिठाई छूने भी ना पाए। आधा पेड़ा भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा साहब, लीजिए। पेड़ा है, आपको इससे परहेज नहीं है ना, मतलब डायबिटीज वगैरह? अच्छा चलता हूं। अरे अरे वेलू, आओ आओ आओ। अरे रामदीन, वेलू के लिए कुछ पेड़े वेड़े लाओ। आया इतने मालिक। दिनों बाद आया है, कुछ खिलाओ पिलाओ। कहो वेलू, कहाँ रहते हो आजकल? यही खेती गृहस्थी में मालिक। क्या आवाज है, बाकी सब ठीक ठाक? ठीक ही तो नहीं है मालिक। क्यों, क्या बात है? वो मैं दो बार बिजली। अरे पेड़े खाओ, पेड़े खाओ, एकदम ताजा है। डॉक्टर साहब ने मना किया। अरे मना करने दो, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या क्या कर रहे थे तुम? साहब मैं दो बार बिजली के दफ्तर गया, फिर उन लोगों ने मेरा बिल ही नहीं लिया। अब मुझे डर है कि कहीं वो लोग मेरा करंट ना काट दें। अरे करंट कैसे काटेंगे? तुम जाके इंजीनियर से मिलो, उनसे कहो कि तुम बिल देने गए थे, उन्होंने लिया ही नहीं। इंजीनियर से तो मैं मिला था। सिर्फ मिले थे या उनको महोदय महाशय श्रीमान जी ऐसा कुछ लिखकर एप्लीकेशन भी दिया था? मैंने महाशय लिखा था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इंजीनियर ने खुद मुझसे बात की और ठीक है कहा और मुस्कुराए। फिर तुम वहां से निकल आए? हाँ। फिर चौकीदार के साथ बात की होगी? हाँ। फिर उसके साथ चाय नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं। फिर क्या किया?
और उसके बाद मैं घर आ गया और मुझे डर है कि कहीं मेरा करंट ना काट दें। क्यों, रुपए नहीं दिए थे उनको? ये थे, चपरासी को 50 पैसे, इंजीनियर साहब को फल फूल और पान भी। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा। काम भी होना चाहिए तुम्हारा और तुम रुपए भी नहीं दोगे और फूल फल पान। क्यों करेगा वो तुम्हारा काम? क्या वो तुम्हारा ससुर लगता है? हैं? सुना है तुम्हारा ससुर बहुत बड़ा आदमी है, कहां रहता है वो? वो हैदराबाद में। अरे तो तुम यहां क्या कर रहे हो? उसके पास जाओ, गल्फ जाओ। खेती तुम्हारे बस की बात नहीं है। खेती में क्या रखा है? तुम्हारा बाप बिरजू मर गया खेती करते करते, पर कुछ नहीं हासिल कर सका। और तुम समझ रहे हो कि मेरे देश की धरती सोना उगले, मेरा भारत महान। मैं समझा नहीं। तुम्हारे काम करने के तरीके से खेती वेती तो होगी नहीं। तुम शहर चले जाओ और वहां से अरब देश जाओ। हाँ, यहाँ खेती में कुछ नहीं है, वहां बहुत रुपया है। मेरी सलाह है तुम जमीन वमीन बेच डालो, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे लिए बीज खाद सिंचाई कटाई सब प्रबंध करवा दूंगा। हाँ, तुम अपनी खेती पर वैसी ही खेती करोगे जैसे करते रहो। हाँ, बस इतना है कि जमीन तुम्हें सोलपुर चीनी मिल के नाम पर करनी होगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी उस शुगर मिल का हिस्सेदार हूं। हाँ, मैं करूंगा तुम्हारी हिफाजत। अरे नई स्कीम आई है, उसका फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। मालिक, क्या हुआ मालिक? रामदीन, रामदीन, अरे वेलू किधर से आ रहे हो? कहीं से नहीं है। ये क्या दज दज के कहाँ जा रहे? जानते हो, बीड़ी फैक्ट्री के मैनेजर ने हमें फंक्शन में बुलाया है। अरे यार मजा आएगा वहाँ, तुम भी चलो, राधा भी सज धज के आएगी। तेरे? नहीं, तुम्हारे लिए। तू चल रहा है वेलू? नहीं नहीं। क्यों, क्या बात है? साला बिजली का बिल नहीं भर पाया हूँ, मुझे डर है कि मेरे पंप का करंट ना कट जाए। चिंता की बात नहीं यार, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। और ये भी कोई समस्या है यार, छे बिजली का बिल नहीं भर सका। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और तू इस पिद्दी सी बात को लेकर चिंतित है। फैक्ट्री की तनख्वाह खाते हो ना, इसीलिए तुम्हें यह समस्या छोटी सी लगती है। छोटी है ही तो लगेगी क्या, जिस दिन करंट कट जाए मेरे पास आना, 240 वोल्ट के करंट की जगह 11000 वोल्ट वाली लाइन खींच के लगा दूंगा तेरे लिए। लाइन तो तू लगा देगा, लेकिन जेल कौन जाएगा? अरे यार तू बेकार चिंता कर रहा है, इसमें चुनाव का वक्त चल रहा है। मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग इस इलाके में गन्ने की खेती करते हैं। अगर तुम्हारी करंट कटी और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई तो जितना घाटा तुम्हें होगा उससे ज्यादा घाटा सरकार को होगा। झूठे दिलासे मत दो यार। तुम्हें तो सच बात कहो तो झूठ लगती है। एक बात बताओ, हम लोग गन्ने की खेती करते हैं और उसे फायदा मिल मालिक को होता है, होता है कि नहीं? हाँ होता है। और मिल मालिक सरकारी पार्टी को चंदा देते हैं, देते हैं कि नहीं? जिसके बूते पे सरकारी पार्टी चुनाव लड़ती है। तो फिर इसीलिए सरकार अपने चंदे की गरज से किसी एक भी किसान की फसल बर्बाद नहीं होने देगी, तुम निश्चिंत रहो। और तुम्हें मालूम नहीं, वो अपने इलाके का एमपी गिरवर केसरी अब ऊर्जा मंत्री होने वाला है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, लगता है फैक्ट्री से किसी कम्युनिस्ट लीडर का भाषण सुनकर आ रहा है। मतलब मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम क्या समझते हो कि गन्ने की खेती और राजनीति में कुछ संबंध ही नहीं है? अरे राधा, अरे हाँ यार, चल 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 चलो, तू चल रहा है वेलू? नहीं नहीं, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। तू गया काम से, चलो मंडली, चलो, इसकी बिगड़ गई है कुंडली। नमस्कार, इस बुलेटिन के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पंजाब में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 22 जून को, असम में 6 और 8 जून को मतदान। प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के उग्रवादियों से भेंट का खंडन। छोड़ छोड़ कमीने, निकाल दे ये रुपया, छोड़ दे मेरा हाथ, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ कहती हूँ ना, पहले रुपये निकाल। कहाँ से दूं रुपये तुम्हें? अब रिश्ता क्या है तेरा मेरा? रिश्ता बिना रिश्ते के थोड़े ही मांग रहा हूँ, निकाल रुपए। कहाँ से दूं तुम्हें रुपए, कमीने? बहुत मौज है मेरी,
नहीं तो गर्दन दबा दूंगा। उससे पहले तुम्हें तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। तू समझता क्या अपने आप को? कब तक देती रहूंगी तुम्हें रुपए? जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तू जिंदा है, क्योंकि तू उस बाप की बेटी है जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे गरी गाड़ी नौकरी कुछ भी तो नहीं दिया साले ने। दिया क्या? एक सुनहल सी बेटी कमीनी। तो जा, जाके मांग मेरे बाप से। उसके सामने हाथ फैला। मैं हाथ फैलाऊं? आग तू, तेरा बाप क्या कैरेक्टर लगता है? तू जाओ उसके पास, 1,000 रुपए। छोड़, मैं नहीं जाऊंगी। तो बेटी फैक्ट्री जा, बाप के पास नहीं जाएगी, मत जा। लेकिन मुझे रुपए चाहिए। बेटी फैक्ट्री मैनेजर तो तुझे 5 रुपए देता है। 1,000 रुपए। हट जा मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। नहीं देगी, नहीं देगी, जबान चला दिया। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आ कर ले जो करना है। मैं तुम्हें कहीं खा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। जानता हूँ तूने गांव में बहुत यार पाल रखे हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक एक को देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। तू बहुत बैंड टेन के प्रोग्राम में जा रही है ना? हाँ, मैं तुझे वहां देखता हूँ। चुड़ैल जा रही। दरवाजे के सामने चिल्लाऊंगा, 1,000 बार चिल्लाऊंगा, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया है। अरे तू जाना मेरे बाप के पास, मैं क्या करूं? चुप कर, उसने भी साला मुझे धोखा दिया। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। चला जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तू भी कुछ नहीं देती है। मेरा पीछा छोड़ दे वरना। छोड़ दूंगा भाई, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैंने कल से एक भी शराब नहीं पिया। कल तूने मेरी बोतल तोड़ दी थी ना, निकाल पैसे। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। चला जा यहाँ से वरना। नहीं जाऊंगा। तुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है ना? हाँ जुड़े, निकाल पैसे। और क्या, ये गांव वाले मुझे मार करेंगे, देख लूंगा। तुझे पैसे चाहिए ना कुत्ते? हरामखोर, ले पैसे ले। बहुत बहुत साली, तेरे को मैं
एक दिन जरूर ठीक करूंगा, मैं वापस आऊंगा। बात बन गई, कुछ भी कहो, दुनिया में अच्छे आदमी भी हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे अपने बिजली इंजीनियर सुब्रमण्यम साहब की। नया नया आया है, कड़ा है पर अच्छा आदमी है। नियम बदलता जरूर है पर दूसरे की परेशानी समझता भी है। हाँ, बिना खबर किए नियम बदल बदल कर परेशान भी यही करता है। सिर्फ उन्हें जिन्हें जानता ना हो। मैं मिला था उनसे, बहुत प्यार से बात करता है। अच्छा, मैंने भी उसकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर वो इंजीनियर की कुर्सी पर ना बैठा होता तो ये पंप का करंट कट गया होता। करंट तो अभी भी कट सकता है। सुब्रमण्यम जी के रहते ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, वो तुम्हारा चाचा लगता है? देखो सीता, आदमी ही आदमी का हितैषी होता है, और फिर ये इंजीनियर तो एकदम दोस्त जैसा हो गया है। अच्छा, देखना वो जब भी हमारे गांव दौरे पर आएगा हमारे ही घर पर खाना खाएगा। बहुत अच्छा आदमी है। और दूसरे जो भगवान से डरता हो वो किसी का दिल नहीं दुखाता। एक बार मिलने पे तुम्हें इतना विश्वास हो गया उस पे? इसमें अचरज की क्या बात है भाई, एक व्यापारी एक ही मुलाकात में दूसरे व्यापारी के साथ लाखों का व्यापार कर लेता है, समझे? दुनिया में सारे कारोबार रिश्ते नाते विश्वास पर ही चलते हैं, और फिर सुब्रमण्यम जी के लिए इस करंट का क्या महत्व है? वो चाहें तो महीनों बगैर बिल लिए हमारा पंप चलता रहेगा। ऐसा है तो अच्छा ये, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्यों? हो सकता है वो करंट काटना भूल गए हो और उन्हें फिर से याद आ जाए। हर अफसर मतलबी और बेईमान नहीं होता। मैं वो कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर करंट कट गया तो क्या मुझसे बोलना बंद कर दोगी? घड़ी घड़ी होए मन में मेरे आश और
क्या बात है वेलू? मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या चाहिए? मेरे खेतों को पानी चाहिए। मगर तुम्हारे पास तो पंप है। अरे पंप काम नहीं कर रहा। ओ, तुम मुझे पानी दोगे ना? पानी देने में तो कोई अर्ज नहीं मुझे, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं वेलू। क्या मतलब? देखो वेलू, पानी के दाम इतने ऊंचे हो गए हैं कि दाम चुकाते चुकाते तुम्हारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। तो तुम मुझे पानी नहीं बेचना चाहते? जरूर बेचता, और दुगने दाम पे बेचता अगर तुम मेरे ग्राहक होते। मेरी बात मान लो वेलू, पानी खरीदने के बदले अपने पंप ठीक करा लो। मत कर सीता, मैं अपने हाथों से पानी खींचूंगा और ये खेत पटाऊंगा। मेरे जीते जी ये खेत नहीं सूखेगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इन घड़ों से तुम कितना पानी पटा पाओगे और कब तक? जब तक मेरी सांस चलेगी, समझी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ दिमाग खराब हो गया है मेरा।
हे भगवान। बाबा क्या हुआ बाबा? क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ। चलो घर चलो, नहीं घर चलो, छोड़ो। अरे क्या छोड़ दो, तेरा जान अपनी, किसी की चिंता नहीं रहेगी, ना खेत रहेगा ना जान रहेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ना बच्चे की चिंता ना मेरी। चले बबलू, मैं बोल रही हूँ मत करो मत। संभाल के, तुम सब है तुम्हारे साथ, फिक्र मत करना। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, क्षमता से ज्यादा काम करने की वजह से इनकी हालत बहुत ही खराब है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाई देता हूँ, आप इन्हें खिला दीजिए। दवा खाने और पूरी तरह से आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी लीजिए। आपकी कृपा डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट में आई। चोट लगी है क्या डॉक्टर साहब? चोट तो लगेगी, बहुत पत्थर है वहाँ। डॉक्टर साहब ये आपके लिए। अच्छा मैं चलता हूँ जी। वैसे मेरा एक सुझाव है, आप तहसीलदार साहब के पास जाकर रुपये के बारे में बात कीजिए, मैं भी उनसे कहूंगा, पानी पटाने के लिए वो आपको रुपया जरूर देंगे जी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। देखो देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, इस फसल से जो रुपए मिलेंगे तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, बबलू के लिए कपड़े खिलौने, तुम्हें बाजार घुमाऊंगा। बेटा देखो सर फसल अच्छी अच्छी हुई है, इस फसल से जो मैं लाऊंगा चार साल खाऊंगा, ऐसा से जो फायदा होगा बहुत अच्छा होगा, फायदा होगा। सीता मैं खेत पर जा रहा हूं। अरे अभी अभी तो बुखार उतरा और तुम काम पे चल दिए? मैंने साबुदाना बनाया, थोड़ा खा लो और आराम करो। लाती हूँ। तुम समझती नहीं हो, खेत को पानी की जरूरत है। तुम्हें मालूम है कितने कमजोर हो गए हो तुम। ओ सीता तुम, मैं सब जानती हूँ, चलो बैठो यहाँ। मैं जानती हूँ उस खेत के पीछे तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। अरे जब शरीर ही नहीं होगा तो खेत का क्या करोगे? पहले ठीक हो जाओ, बाद में खेत पर जाना। खेत को सूखा छोड़ बैठा नहीं जाता सीता। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चलो खाओ।
जान है तो जहान है। पानी के बिना फसल सूख जाएगी सीता, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। अपने भाग्य में यही लिखा है तो कौन रोक सकता है। ये कैसी सजा है सीता, काश वो बिल मैंने पहले ही भर दिया होता। मुझे माफ कर दो सीता। कोई बात नहीं, तुम इतनी चिंता मत करो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो खाओ खाओ। अच्छा अब औरतों की तरह क्यों रोते हो, चलो खाओ ना। बाबा देखो क्या लाया। खाना खाओगे थोड़ा। अरे भाभी आप लक्ष्मण जरा गाड़ी रखो, वेलू दिखाई नहीं दे रहा आजकल। उनकी तबीयत बहुत खराब है भैया। ओ आप कहाँ जा रही है? मैं तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास? मैं पानी के बंदोबस्त के लिए रुपया कर्ज पर लेना चाहती हूँ, तुम पानी दोगे ना? मैं? हाँ गन्ने की फसल होगी तो मैं पूरी गुड़ की एक चक्की दूंगी तुमको। देखो भाभी पानी तो मैं नहीं दे सकता, तहसीलदार से मेरी संविदा हो गई है कि वो सारा का सारा पानी मुझसे खरीद लेगा। अच्छा होगा कि आप उनके पास रुपए के बदले पानी ही मांग लेते हो। मैं चलता हूं, चलो लक्ष्मण। बस चले आते हो तुम लोग रुपया लेने, क्या करोगे रुपया? रुपया खर्च करने की तमीज है? पिछले चार सालों से कर्ज लेकर रुपया गंवा रहे हो तुम लोग, इस बार भी वही करोगे। लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूं, अगर इस साल मेरे सारे रुपयों की भरपाई नहीं हुई तो तालाब के नीचे वाला अपना खेत भूल जाना। आओ आओ बेटे आओ। तुम वेलू की घरवाली हो ना? जी। वेलू कैसा है? उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे 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 ये तो बहुत बुरी बात है। बेचारा वेलू, मैंने वेलू को बहुत बार समझाया कि इस खेती गृहस्थी में कुछ नहीं रखा। ए, तुम यहां क्या खड़े हो, जाओ बात करने दो। आओ बेटे आओ अंदर आओ। हाँ अंदर आओ अंदर आओ। आओ बोलो क्या खबर है? वो मुझे आपसे मदद चाहिए। हाँ। वो डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। उस कमबख्त डॉक्टर ने? जी। अच्छा मदद चाहिए तो क्या मदद चाहिए बोलो। रामदीन मिठाई लाओ। आज मिठाई नहीं है सिर्फ छास है। रामदीन का बच्चा भाग गया साला। आप मेरे खेतों के लिए पानी दे दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। ओ पानी मेरे पास कहाँ है पानी, मेरी तो अपनी खेती सूख जा रही है। लेकिन देखो बेटी मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मैंने वेलू से भी कहा था, इस खेती गृहस्थी में कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी यहां की जमीन वमीन बेच डालो और शहर में चली जाओ, शहर में बहुत पैसा है ना। देखो वेलू के दोनों भाइयों को शहर में नौकरी और मजे का थाट बार। हाँ लेकिन। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पिछली बार मैंने तुम्हारे पिता से भी बात की थी, उसका भी यही कहना है, मैं तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा और अच्छे दाम पे खरीदूंगा। जी रामदेन, पता नहीं कहां चला जाता है पूजा छोड़ के, मेरी इस साल की फसल तो बस इस पूजा पर टिकी हुई है, पूजा खराब तो फसल खराब, लेकिन ये गधा क्या जानेगा। हाँ तो बोलो मेरी बात मंजूर है कि नहीं है? जी इस बारे में तो आप उनसे ही पूछ लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे वो छांस तो पीती जाओ। जी नहीं बस। नहीं। अरे भाभी आप इतनी रात गए और अकेले? नमस्ते। क्या बात है सब ठीक तो है ना?
ठीक ही तो नहीं है। तुम्हारे भैया का बुखार उतर नहीं रहा और ऊपर से बिजली वालों ने पंप का करंट काट दिया। क्या दिक्कत की तो कोई बात नहीं है ना? मैं क्या जानू, सोमवार को तो इन्हें बिजली का बिल भरने भी जाना है। अब क्या पता इन दो दिनों में तबीयत ठीक होती है नहीं। मुरली, अगर सोमवार तक अच्छे नहीं हुए तो तुम शहर जाकर बिल भर दोगे? सोमवार को? हाँ सोमवार को तो नहीं जा पाऊंगा भाभी। क्यों? उस दिन बीड़ी फैक्ट्री में एक्साइज इंस्पेक्टर आ रहा है ना। मैं तो ये सब नहीं, काम नहीं, नहीं, किया ना। आप कैसे जाइएगा? मैं किसी को भेज देता हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। और कौन जाने वाला ये सब करने के लिए? खैर छोड़ो, तुम माँ को बोल दो मैं वो आम का अचार एक आध दिन में भेजवा। अच्छा अच्छा हाँ। क्यों बे, बड़ा कहता था उस वक्त कि चुनाव के वक्त किसी का करंट नहीं कट सकता है, ये नेता लोग एक नंबर के रिश्वत खोर होते हैं। यार मुझे क्या मालूम था कि अखबार वाले साले इतना उठपटांग खाका करते हैं, पर मैंने अखबार में पढ़ा था तो कह दिया। अबे इसीलिए कहता हूँ कि अखबार वखबार पढ़ना बंद कर दे। चुप कर, झूठ बोलने से बच जाएगा। साबुदाना दीजिए तो। एक किलो दे दूं? नहीं इतने पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, वेलू बीमार है तो मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? नहीं वो पाव भरी चाहिए। ठीक है आपकी मर्जी। मैंने वेलू को पहाड़ी बाबा से मिलने को कहा था, वो मिला के नहीं? मैं नहीं जानती। ये लीजिए। कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर कहिएगा। अगर कभी पैसों की जरूरत हो या किसी और चीज की जरूरत हो तो रात बिरात कभी भी बिना हिचक आ जाइए। हैं? अरे आज बबलू के लिए चॉकलेट नहीं लेने क्या? नहीं। अरे रुको सीता, कहाँ भागी जा रही हो? क्या बात है, बहुत घबराई हुई लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। सुनो महारानी, क्या ठीक है हा? अरे तुम क्या मुझे रंडी समझती हो? लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे तरस आता है। चलो आगे बढ़ो। अरे तुम तो मेरी पड़ोसन हो इसलिए सोचा कि पूछ लूं बात क्या है, लेकिन तुम तो अपने आप को न जाने क्या समझती हो। रुको, तुम शायद मुझसे इसलिए नफरत करती हो कि लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें उड़ा रखी है, लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है और नहीं है इस बात का तुम्हें तब पता चलेगा सती सावित्री, जब देर रात तक तुम्हें घूमते देख लोग तुम्हारे बारे में भी वही बातें शुरू कर देंगे। इसलिए जरा संभल कर चलना सती सावित्री, नहीं तो कुछ ही दिनों में सीता से राधा नजर आने लगेगी। बीड़ी वाली से क्यों बात कर रही थी? उससे बात करना भी मत। मैं कहाँ बात कर रही थी, वो तो खुद ही मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रही थी। पर क्यों? मुझे क्या मालूम। जरूर कोई मतलब होगा, आजकल देख रहा हूँ बबलू को बुलाकर फुसलाती रहती है, बहुत ही नीच आदत है ये। इतनी नीच भी नहीं जितनी हम लोग उसे समझते हैं। क्या मतलब? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग उसे नीच कहते क्यों है। ये केवल हम ही नहीं पूरे गाँव के लोग कहते हैं। गाँव में तो लुचेले फंगों की भीड़ लगी हुई है, जो रास्ता चलते बहु बेटियों पर ताने कसते हैं, ठहाके लगाते हैं। तुम्हारी बातों से राधा के प्रति हमदर्दी झलक रही है। अरे मुझे ऐसी औरत से कोई हमदर्दी नहीं है जो अपने पति को छोड़कर मनमानी करती फिरे, और तुम बहस करने के बजाय खाना खाओ और सो जाओ। मंत्री हो
मुर्दाबाद, पेंशन मंत्री मुर्दाबाद, पेंशन मंत्री मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा वेतन जल्दी दो, पेंशन मंत्री मुर्दाबाद, खून खून से टकराएगा, पेंशन लेके जाएगा, रिश्वत खोरी के लिए होली चलेगी। भाई साहब जी, आप थोड़े समय के लिए मेरी जगह देखिए, मैं भी आता हूं। ठीक है। अरे काउंटर खोलने वाला आ रहा है, देखो। अरे हाँ, अरे भाई साहब काउंटर खोल रहे हो क्या? अरे ये क्या, अगले सोमवार को? काउंटर नहीं खुलेगी, तोड़ दो इसे, ये अन्याय है, व्हाट नॉनसेंस, ये काउंटर आज खुलना ही चाहिए। पिछले दो घंटे से खड़े हैं, हम दो घंटे से खड़े हैं, पागल है। आप लोग नारे ना लगाइए, कृपया मेरी बात सुनिए। हमें बात बात नहीं सुननी, पहले काउंटर खोलो और मिल लो। बिल्कुल, पहले काउंटर खोलो। ये मेरे बस में नहीं है, ये मनमानी नहीं चलेगी, तुमको ये काउंटर खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। भाई साहब आप तो जानते हैं, आज शहर में मंत्री महोदय आने वाले हैं, तो हम क्या करें? उनके भाषण स्थल पर बिजली की उचित व्यवस्था करने के लिए हमारे सारे कर्मचारियों को बुला लिया गया है। आप हमारे सामने नारे क्यों लगा रहे हैं? पर काउंटर क्लर्क को भेजने की क्या जरूरत थी? भाई साहब हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, और ऐसी कमी तो हर जगह होती है। अगर आपके पास स्टाफ होता तो आप यहाँ क्यों आते? पर आप क्यों आए हैं इधर? मैं चलता हूँ। अरे अरे खाली करो, अगले सोमवार क्या है साहब? मैं बहुत परेशान हूं साहब, मुझ पर दया कीजिए। दरवाजा जी, दरवाजा बंद करो। साहब मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं आज भी अपना बिल नहीं भर पाया। आप बड़ी कुर्सी वाले आदमी हैं ना साहब, आप चाहें तो मेरा बिल लेकर मेरी सूखती फसल की हरियाली वापस ला सकते हैं। आपका बड़ा, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, पर मेरी बातों पर भी गौर करो, ये इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। देखो वो जो नीला कमरा देख रहे हो ना, वहां तुम बिल भरते हो, ठीक है? उसके बाद वो बिल मेरे पास आता है यहां, जब मैं उसकी रसीद बनाता हूं, और उस रसीद को लेकर मैं लेजर क्लर्क के पास जाता हूं, और लेजर क्लर्क उस बिल की एंट्री लिखता है, फिर उसे ले जाता है सीनियर ऑफिसर के पास दस्तखत कराने के लिए। पूरे पांच लोगों से मिलकर होता है काम, पर तुम लोगों को इतना आसान लगता है कि यहां पैसा दिया और वहां करंट चलता रहा। साहब आप मेरे बड़े भाई, मेरे पिता के समान है, आप पिए 10 रुपए ले लीजिए और किसी तरह से मेरा बिल ले लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बेटा पिछले हफ्ते मैं शायद कुछ कर भी सकता था, पर आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर इतना कह सकता हूं कि अगर तुम कल आ जाओ
तो मैं कोशिश करूंगा। पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है ना? साहब साहब, कल की बजाय आज ही कर दीजिए ना। ये सारे पैसे आप ले लीजिए। देखिए, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। अच्छा, इंजीनियर साहब के ऑफिस में कुछ हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। और आज तो मंत्री जी भी आ रहे हैं, आप अपना आवेदन पत्र उन्हीं को क्यों नहीं दे देते? भगवान तुम्हारे बीबी बच्चे को सलामत रखे। दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे बाबा। समस्याएं मंत्री जी के पास पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का निर्मूल किया जाएगा। नमस्कार साहब, क्या हाल है साहब? बस ठीक ही। हाँ। एक रुपए के पकोड़े दीजिए। अरे गोबर, हाँ, दुकान बढ़ाने से पहले साहब को एक प्लेट पकोड़ा बढ़ा दे। अभी लाया जी। क्या बात है साहब, जरा परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, इतने हफ्ते हो गए बिजली ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते। हाँ। क्या है कि गांव में मैंने पंप ले रखा था किस्तों पर, उसका करंट कट गया। इतनी बार आया हूँ लेकिन इन्होंने कभी बिल नहीं लिया। अभी तक नहीं लिया? नहीं, आज तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कैसे का ऑफिस के सारे लोग जा रहे हैं मंत्री का भाषण सुनने, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। आज तो मजा आ गया था। एक बात जानते हो साहब? क्या? आज मंत्री का भाषण है ना, तो मंत्रियों के चमचे गांव से आदमियों को ट्रकों में भर भर के ला रहे हैं। और इसके अलावा वो लोगों को भाषण सुनने के लिए 10-15 रुपए भी देते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा जानते हो? किसे होगा? मुझे होगा, मुझे। तुम्हें? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। सूरत से बेटा मन होता है क्या है भैया, कि जब लोगों की जेबों में 10-15 रुपए आ जाते हैं तो लोग भाषण कम सुनते हैं और आसपास की दुकानों से चाट वगैरह ज्यादा खाते हैं। हाँ। इसलिए हम भी वहाँ जा रहे हैं। तुम भी चलो क्या? हाँ, जाना तो है। तो चलो। हाँ, खाते भी रहो, चलते भी रहो। हाँ। चले गोबर, चल जी, चल अपना। आज आधे घंटे में कुल पकौड़ा नहीं बेच दिया तो मेरा भी नाम मंगरू राम बनारसी दास चियाराम तो नहीं। अच्छा, ये लो एक रुपया आपने पकौड़े का। अरे रख लो रख लो, समझो आज फ्री में खिला दिया। वैसे तुम बिल्कुल बच्चे हो दुनियादारी के मामले में, मुझे तुम्हारी सूरत पे तरस आता है। क्या क्या क्या, रुपया रखो पकौड़े खाओ, चले गोबर। लेकिन एक बात तो पूछूंगा ही। अरे तो पूछो ना, मना किसने किया, चले। तो फिर रोको। हा? अच्छा एक बात सोचो, अगर आज भाषण ना होता तो तुम मुझसे पकौड़े खाने का एक रुपया लेते कि नहीं? हाँ, जरूर लेता, क्यों नहीं लेता, अब मेरी मर्जी, लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक रुपया लेने से जितना संतोष तुम्हें मिलता है, क्या उतना ही संतोष एक रुपया ना लेने से भी मिलता है? हाँ? मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि जितना संतोष मुझे पकौड़े खाने में मिल रहा है, क्या उतना ही संतोष तुम्हें एक रुपया पा लेने में मिलता है? और एक रुपया ना मिलने से भी क्या तुम्हें उतना ही संतोष मिल रहा है? ए भैया, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। चले
गोबत देर हो रही है। एक रुपए का पकौड़ा फ्री में खा गया ना, इसलिए अकलमंदी की बात कर रहे हैं। ये अकलमंदी की बात है। हाँ, और ये आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या क्या नहीं समझ में आएगा? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप उनकी बातें सुनिए, वो किसी सिद्धांत की तलाश कर रहे हैं। क्या? हाँ, सिद्धांत की तलाश कर रहा है। ए भैया सुनिए, देखिए ये सिद्धांत दान का चक्कर छोड़िए और थोड़ा व्यवहार सीखिए। व्यवहार, अगर आपको व्यवहार आता तो बिजली ऑफिस का इतना चक्कर नहीं लगाते। कब का अपना बिजली का बिल देके गांव में जाके पंप से खेत सींच रहे होते। मेरा भी यही ख्याल है। क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़ा रुपया वहां दे देते तो तुम्हारा काम हो जाता। सब घुसखोर है यहाँ, घुसखोर। ऐसी बात नहीं है, आज मैंने रुपया देने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो तो एकदम साधु आदमी है, साधु। देखो, देखने सुनने में सब साधु समान होते हैं, लेकिन जो जितना साधु होता है उतना ही दुष्ट होता है, जो जितना मीठा बोलता है उतना ही खतरनाक होता है, समझे? तो ये होता है साधु होने का मतलब। तुम्हारे बिजली के ऑफिस में भी तो एक साधु समान आदमी है, कितना दे रहे थे उसे? 10 रुपए। अरे 20 रुपए से तो शुरू करना चाहिए था, नहीं मानता तो 30, नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 रुपए तो देनी चाहिए थी उसे। अरे भाई, वो आम आदमी से ऊपर का साधु समान आदमी है। अरे वो सिद्धांतों की ढोल पीटता है तो उसे औरों से ज्यादा तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ समझ गया। क्या समझे? यही कि निचले कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, बात करो तो सीधे ऊपर के आदमी से। मतलब? बाय गॉड, ये तो मिस्टर गॉड के बारे में बात कर रहा है। चुप रहे, वो देख जिलेबी खुला जा रहा है, देख। हाँ। आज मंत्री जी को जो प्रार्थना पत्र लिखा है उसमें आम किसान की परेशानी की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी बात सुनेंगे। मंत्री को प्रार्थना पत्र लिख के भेज रहे हैं। चल रे गोबर, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठ पगुराए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। मैं भी यही कहने वाला था। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सिद्धांतों का जो ढोल ये साधु समान आदमी पीटा करते हैं ना, ये ढोल की फैक्ट्री है ये नेता, नेताओं की फैक्ट्री से रात दिन ये सिद्धांतों का ढोल बाहर की दुनिया में बजने के लिए निकला करते हैं और तुम इन्हें अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हो। रुक रहे तो देव, मंत्री तुम्हारी अर्जी लेके पीछे खड़े पीए को दे देगा ना, उसे कभी पड़ेगा ना कभी तुम्हारी परेशानी दूर होगी। देखिए आप इतने अविश्वासी क्यों हैं? अरे जब बिजली ऑफिस का बिल का क्लर्क तुम्हारा काम नहीं कर सका तो ये मंत्री तुम्हारा क्या काम करेगा? अरे इसके पास रोज हजारों एप्लीकेशन ऐसे आते हैं, अगर वो एक एक करके नंबर से भी पढ़े तो तुम्हारा नंबर आते आते कई साल बीत जाएंगे। ओ, तो ये बात है। क्या बात है रे? कुछ नहीं, वो क्या है ना कि 2 साल पहले मैंने वो एक एप्लीकेशन भेजी थी, लगता है उसका नंबर अभी भी नहीं आया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी पढ़ नहीं पाए होंगे। और वो आएगा भी नहीं। अरे हम कहते हैं जब तुमको शिकायतें करनी है तो अपने इलाके के नेता से करो, नहीं तो वो सरकारी पार्टी के लोकल सेक्रेटरी या अफसर से करो जो तुम्हारे ज्यादा नजदीक है, वो तुम्हारी बात भी सुन सकता है। और नीचे का कोई नेता बात नहीं सुनता साहब, सब खाऊ और बेईमान है। अच्छा, अब देखो, अरे जब नीचे के नेता खाऊ और बेईमान है तो ऊपर का तो क्या कहना। अरे भाई नीचे से तो ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचने का ये मतलब नहीं कि उसने अपना सारा गुण ही छोड़ दिया है, बल्कि अपने नीचे के इन्हीं गुणों का कई गुना विकास करके वो ऊपर पहुंचा है, समझे? चल भाई गोबर। सुनो मंत्री महोदय को खूब गिड़गिड़ाकर अपनी हालत बताना और अंत में मंत्री जी की जय बोलना। बोलोगे तो नहीं? नहीं साहब। पैसे दो। मंत्री जी से मदद मांगना और उनकी जय बोलना मत भूलना। आप फिक्र मत कीजिए नेताजी। चंगा। जोर लगे चिल्लाना, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय।
करूं? अरे भाई जो मर्जी करो, अभी अर्जी देने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मानव स्थिति जो छोड़ दिया जाए, राम नाम गावे सौ गुण पावे। कबीर ने ठीक ही कहा है। चुप रे, गोबर पानी बन कर। ये कागज तो यूं ही गया। अरे भाई इधर ला। बेकार कैसे गया, इधर ला। मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ पकौड़े खिलाता हूँ, ये लो। नमस्कार मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, माई बाप, मेरी बस्ती में आग लग गई है, मेरी बर्बादी हो गई है, सहायता कीजिए। बाबा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मणि, यस सर, इनकी बातें नोट करो। राइट सर। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। जी मेरा परिवार ट्रेन दुर्घटना में कटके मर गया है, आप मेरी मदद कीजिए। मणि, यस सर, इनकी बात नोट करो। आई विल नोट इट डाउन सर। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। माताजी प्रणाम। सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। माताजी आप देख नहीं सकती? नहीं। मणि, यस सर, देखा तुमने हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह आंखें, और हमारे राज्य में एक माता की आंखें नहीं है। इनकी आंखों के ऑपरेशन का बंदोबस्त किया जाए। ओके सर। ताकि हम ही नहीं हमारी जनता भी देख सके। यस सर। मंत्री महोदय जिंदाबाद, 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 मंत्री महोदय जिंदाबाद। मंत्री जी प्रणाम। क्या आपकी आंख की? एक मिनट, मेरा पकौड़ा खा के देखिए, एकदम प्योर पकौड़ा। मंत्री जी की जय, 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 मंत्री जी की जय। क्या बात है सीता, तुम शायद पंप ना चलने की वजह से परेशान हो ना? मुझसे बात नहीं करना चाहती? लेकिन एक बात बता दूं, हर समस्या का हल हर समय मौजूद होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बबलू के बापू गए हैं बिल भरने, कल तक ये पानी चालू हो जाएगा।
अरे बिजली के ऑफिस में कौन किसी की सुनता है? वो अपने हिसाब किताब से मतलब रखेंगे तुम्हारे पंप और पानी से। तुम क्या समझते हो कि बबलू के बापू इतना सा काम भी नहीं कर सकते? तुम शहर की जरूर हो, पर लगता है तुम्हें सरकारी दफ्तरों के मशीनी माहौल का कुछ नहीं पता। अरे वहां आदमी को आदमी की तरह नहीं देखा जाता। तुम्हारे बबलू के बापू वहां सिर्फ अकाउंट नंबर है। जो भी हो, मुझे यकीन है आज वो बिल भर कर ही आएंगे। तुम मुझसे इस तरह क्यों पेश आती हो जैसे आम गांव वाले? अरे मैं भी उन्हीं भावनाओं से बनी हूं जिससे तुम। बबलू जैसे बेटे, पति के प्यार की भूखी मैं भी हूं, समझी सीता? और फिर भी अपने पति को दुत्कारती रहती हो? मर्द के निर्दयी हाथों का स्वाद चखा नहीं है ना तुमने, इसलिए ये सब बातें कर रही हो। पति द्वारा पीट पीट के घर से बाहर निकाल दिया जाना क्या होता है पता है तुम्हें? अरे तुम लोगों को कुछ नहीं पता। जिस बीड़ी फैक्ट्री के मैनेजर को लेकर मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई, वो मेरे भाई जैसा है, जिसने बुरे दिनों में मेरी सहायता की, पर कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। और क्यों करेंगे विश्वास? तुम ही बताओ, कल लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देंगे तो क्या कर लोगे तुम? तुम अकेले दुनिया का मुंह बंद कर सकती हो? मैं नहीं जानती। तुम क्या जानोगी? तुम तो अपने खेतों में सूखती फसल और जमीन में पड़ती दरारों को पाटने का उपाय भी नहीं जानती, न जानना चाहती हो। लेकिन मैं इस सिलसिले में कोशिश कर सकती हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने भाई से तुम्हारे लिए मदद मांगूंगी। चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे साथ चलने में तुम्हारी कोई बेइज्जती होगी? लेकिन तुम्हारी सहायता करने में मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। भोग रही है, जिस गरीबी का वो सामना कर रही है, उसके जिम्मेदार तत्वों को हम मिटाकर ही दम लेंगे। इस बार चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो हम आपकी एक एक समस्या का अंत कर देंगे। हमारा यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र का किसान ऊर्जा की समस्या से त्रस्त है। ऊर्जा की कमी हमारी कृषि को हानि पहुंचाती रही है। हम अपनी नई सरकार में इस क्षेत्र के किसानों के लिए समुचित बिजली, पानी, बीज आदि उपलब्ध करवाएंगे। पिछले 5 वर्षों में हमने इस सिलसिले में काफी कोशिश की है और सफल भी रहे। अगर अभी भी कोई असुविधा है या कुछ कार्यों को करने में देरी हुई है या वादे नहीं पूरे हो पाए हैं जो हमने पिछले चुनाव के दौरान किए थे, इसका एकमात्र कारण विपक्षी दल के नेता है जो हमें किसानों के हित में कुछ करने ही नहीं देते। जब भी हम असेंबली में किसानों के लिए किसी विशेष सहायता की बात करते हैं तो असेंबली में उसका जमकर विरोध करते हैं। अतः किसानों से व अन्य भाइयों से मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि राज्य की सभी सीटों पर हमें विजयी बनाएं और अपना मत हमें ही प्रदान करें। इस चुनाव प्रचार में मैं एक बार फिर से वादा करता हूं कि किसानों की समस्याओं को जड़ से मिटा दिया जाएगा। फसलों की उचित कीमत दिलाई जाएगी, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी किसानों के लिए जिससे वो संपन्न हो सके और समृद्ध हो सके। भाइयों और बहनों, मुझे सुनने में आया है कि कुछ किसान अपनी खेती छोड़कर कुछ लोगों के फुसलाने पर और बरगलाने पर, गांवों को छोड़कर
शहरों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे किसान भाइयों से मैं करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न करें, गांव में ही रहें और खेती करें, क्योंकि खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चुनाव जीतने के बाद अगले 5 वर्षों में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किसानों की सारी समस्याओं का अंत कर दूं। हम देख रहे हैं ये गन्ने का क्षेत्र है, हम देखते आए हैं इस क्षेत्र के गन्ने से बनी हुई चीनी की मधुरता न कि पूरे देश में घुली है बल्कि विदेशों तक में फैली है। हमें देखना है कि कोई भी ताकत हमारी इस मधुरता पर डाका न डाल सके। हम देखेंगे किसी भी ऐसी शक्ति को मिटा दिया जाएगा या काट दिया जाएगा। बैठी हो, मैं घर गया था, दिल भर आए नहीं, आज भी दिल नहीं भरा। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता नहीं करो सीता,
मेरे बापू कहा करते थे, ये माटी हमारी मां है, ये हमें कभी धोखा नहीं देगी। तुम यहां क्यों बैठी हो? वो राधा आई थी। समाज ने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ, और हमने भी एक अच्छे इंसान को ना परख पाने की भूल की है। मैं भी एक नपुंसक व्यवस्था पर विश्वास करता रहा।